नमस्कार किसान साथियों, किसान साथियों आपके अपने चैनल एग्री टेक में एक बार आपका नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। किसान साथियों, अभी नरमे का सीज़न चल रहा है और कुछ हमारे किसान साथी है, उनका कहना है कि हमारे नरमे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो लंबाई बढ़ाने का अचूक और असरदार उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस प्रकार से अपने नरमे की कपास की लंबाई बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ जिब्रेलिक एसिड की। दोस्तों, यह लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर औषधि है, जिससे हम अपने नरमे की लंबाई है वो अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे जिब्रेलिक एसिड हमारे कॉटन में कैसे काम करता है, इसकी डोज हमें कितनी देनी है, इसका क्या फ़ायदा है, कितनी मात्रा में हम इसको दे सकते हैं और इसका रेट क्या है, और यह किस प्रकार से हमारी जो कॉटन की फसल है उसमें किस प्रकार से यह कार्य करता है, इसमें सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो साथी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जिब्रेलिक एसिड का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन यानी सेल डिविज़न। यह पत्तियों का साइज बढ़ाता है, पत्तियों में कच्चापन लाता है और टहनियों की लंबाई बढ़ाता है। और दोस्तों, जब फ्रूटिंग का टाइम होता है तो यह टिंडे का वजन और उसका आकार भी बढ़ाने में अच्छा कारगर साबित हुआ है। किसान साथियों, कुछ हमारे किसान साथियों का सवाल था कि क्या हम इस जिब्रेलिक एसिड को किसी कीटनाशक में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो बिल्कुल साथियों, यह किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, हम किसी भी कीटनाशक में मिलाकर इसका स्प्रे हमारे कॉटन की फसल में कर सकते हैं। किसान साथियों, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करते समय हमें कुछ ध्यान देना है, हमारी फसल में नमी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर नमी की मात्रा पर्याप्त होगी तो यह अच्छे से काम कर पाएगा। और साथियों, मैं इसकी डोज की यानी इसकी मात्रा की बात कर लेता हूँ कि आपको कितनी मात्रा इसकी डालनी है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, इसकी 2 ग्राम आपने मात्रा एक एकड़ में लगभग 150 से 160 लीटर पानी में इसको मिलाकर इसका छिड़काव करना है। और अंत में दोस्तों, मैं इसकी कीमत बता देता हूँ, इसकी कीमत लगभग 1 ग्राम पाउच की कीमत होगी दोस्तों 50 से 55 रुपये के अंदर अंदर। इसका जो 1 ग्राम का पाउच है वह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। किसान साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, और जो साथी अभी चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है, आने वाला जो वीडियो है खेती से संबंधित, वह आपको मिल सके। और जिन साथियों का कोई भी सवाल है वह हमें कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकता है, वह उसका उत्तर उसको ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद किसान साथियों।